बात बहुत छोटी सी है बट कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है, मिनोक्सिडिल ज्यादा अच्छी है या फिर हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर। तो हम बात करेंगे वीडियो में सब चीजों के बारे में एंड बताऊंगा आपको बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। मैंने हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर भी इस्तेमाल किया है, मैंने मिनोक्सिडिल भी इस्तेमाल किया है। मैंने उस तरह का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर इस्तेमाल किया है, मैंने उसका 3 मंथ रिव्यू भी डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वो जाकर देख सकते हो। मैंने रीगेन की मिनोक्सिडिल इस्तेमाल की है अराउंड 1.5 मंथ एंड उसका भी रिव्यू मैंने डाला है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो आज दोनों का कंपैरिजन है। दोनों ही प्रोडक्ट क्लेम करते हैं कि आपके हेयर्स को रीग्रो कराने में मदद करते हैं, आपके हेयर्स को अच्छा कर देते हैं एंड वगैरह 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 वगैरह, बट सच में इफेक्टिव कौन सा है? तो एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको जान लेना चाहिए। जो हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं जो आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो अच्छे हो जाते हैं, जो थिन बाल हैं वो बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, एचीनेस है, डेंड्रफ है वगैरह वगैरह, एंड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो आपको विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिल पाते आपके बालों को, वो ये प्रोवाइड कराता है, ये बाहर से प्रोवाइड कराता है। हालांकि अगर आप इसके साथ साथ इनटेक अच्छी करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। मतलब ये है कि अगर आप बाहर से कोई दवाई लगा रहे हो देन आप कोई भी प्रोडक्ट ऊपर अप्लाई करते हो बालों पे तो वो दोगुना असर करेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप इनटेक जो कर रहे हो वो अच्छा होगा, टॉक्सिक नहीं होगा, तो ये काम करता है ये। लेकिन अगर मैं मिनोक्सिडिल की बात करूँ तो मिनोक्सिडिल सिर्फ एक दवाई है। ये क्या करती है, आपके सिर पर ना ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। मतलब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपके सिर पे न्यूट्रिशन देता है, ये आपके सिर पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी जब आपका इंटरनल ब्लड के अंदर मिनरल्स विटामिन की भरपूर मात्रा होगी जो आपके बालों को चाहिए। अगर उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी मात्रा है एंड बहुत आप अच्छा खाना खाते हो, लाइफस्टाइल अच्छा है, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो ये बहुत जल्दी काम करेगी एंड बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि सिर्फ काम क्या होता है, आपका हेयर लॉस सिर्फ एक ही रीजन से होता है, आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है आपकी स्कैल्प के अंदर, यहाँ पे DHT लग जाता है जो आपके ब्लड फ्लो को रोक देता है, आपके बालों की जरूरत नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो कमी हो जाती है। बट ये क्या करता है, ये आपके बालों को डायरेक्ट न्यूट्रिशन देता है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके बाल है ना वो अच्छे हो जाएंगे, जो उनको विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे ना आपकी बॉडी से वो अच्छे इससे मिल जाएंगे एंड आपके बाल बाउंसी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मतलब जो पतले बाल है वो मोटे हो जाएंगे। तो ये आपको ये बेनिफिट देगा। बट मिनोक्सिडिल आपके बालों को रीग्रो कराता है। रीग्रो और न्यूट्रिशन में दिन रात का अंतर होता है, आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये अपना काम अच्छे से कर रहा है। ये जो आपके बाल है ना अभी जो धीरे 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 पतले होके खत्म हो जाएंगे, उन बालों को ये न्यूट्रिशन देगा ताकि वो बाल जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके। एंड ये नए बाल उगाता है बट बहुत कम रेट, देखा नहीं गया है कि ये नए बाल बहुत ज्यादा उगाएगा। हालांकि इसमें 100 पेल्मिटो है रिडेंसिल बहुत अच्छा होता है रीग्रो करने के लिए हेयर्स की, तो रिडेंसिल भी इसमें है, तो ये बाल उगाता है बट उगाने में उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव मिनोक्सिडिल है। मिनोक्सिडिल आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं देती, ये सिर्फ आपके बालों को ब्लड फ्लो देती है। अब ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होगा तो बाल तो ऑब्वियसली बात है उगेंगे, बट वो उगने के बाद अच्छे होंगे, ज्यादा बड़े होंगे या फिर कम होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कितना है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है देन वो बाल बहुत इजीली ग्रो करेंगे। तो जो लोगों को समझ नहीं पाता है कि मिनोक्सिडिल यूज करूं या यूज करूं, मैं अपना पैटर्न बताता हूं मैंने कैसे इस्तेमाल किया। पहले 2 बोतल इसकी इस्तेमाल की एंड जो मैंने देखा कि मेरे बाल ज्यादा अच्छे हो गए हैं, देन जहां पे मेरे बाल नहीं है, जहां पे मेरे बाल कम हो गए हैं, वहां मैं इसको यूज कर रहा हूं। अब मैं इसकी 3 बोतल्स इस्तेमाल करूंगा। 3 बोतल इस्तेमाल करने के बाद मैं अगेन इस पे स्विच करूंगा, क्योंकि दोनों पैटर्न अगर बनेंगे साथ साथ में तभी होगा। अब मेरा बाल रीग्रो करने का फेज है, जैसे ही बाल रीग्रो हो जाएंगे देन उन बालों को खाना दूंगा इससे, उन बालों को न्यूट्रिशन दूंगा इससे। एंड उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लाइफ साइकिल में बालों की एक्सरसाइज जरूर ऐड करो, जैसे कि हेडस्टैंड है, हैंडस्टैंड है, या फिर चक्रासन है, या फिर उल्टा लटकना जो होता है वो है, एंड थोड़ा सा भागना जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़े, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। लाइफस्टाइल में खाने पीने पे जिसमें बायोटिन हो, कैरेटिन हो, एंड ऐसे प्रोडक्ट खाओ जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लाइफस्टाइल, खाना एंड तीसरी ये चीज इस्तेमाल करोगे, तीनों से बहुत जल्दी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड मिनोक्सिडिल से मैंने देखा है मेरे भाई के बाल तो आ गए बट वो पतले हैं, थिन है,
एंड वो इतने भारी नहीं हो पा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो चीज बालों को चाहिए ब्लड से वो मिल नहीं रही है। ब्लड फ्लो तो मिल रहा है, ब्लड फ्लो की वजह से जितना वो उग सकते हैं वो उग गए हैं, बट उनको मोटा होने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त बनने के लिए जो विटामिन मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे यहाँ से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों में क्या अंतर है, हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर और मिनोक्सिडिल में क्या अंतर है एंड कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो वन बाय वन आप ट्राई करो, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक टाइम पे आप मिनोक्सिडिल लगा सकते हो, शाम को आप ये उस तरह वाइटलाइजर लगा सकते हो, तो बेनिफिशियल ज्यादा दोनों चीजें इकट्ठी मिलती रहेंगी। बट मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करूंगा, खुद से जरूर बताऊंगा, बट अभी जो मैंने ट्राई किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये था आज की वीडियो, एंड अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को जल्दी से जल्दी, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, अपना जो भी रिव्यू आपके साथ क्या एक्सपीरियंस किया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं सब कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे वहां पे कुछ पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।